इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रीट जो एग्जामिनेशन है वो है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स 2017 है, वो निकल चुका है। और ये एग्ज़ाम निकाला है जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड है राजस्थान का उन्होंने। तो चलिए इनकी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहले जो वेबसाइट है जहाँ पे ये विज्ञापन आपको मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगी, वो है देखिए, ये है राजस्थान वालों के लिए। ये भी मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर दूँ कि ये राजस्थान का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और RAJEDU board.rajasthan.gov.in/read2017 ये जो वेबसाइट है। अगर आपको कभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप readbscr@gmail.com पे भी इनको मेल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक भर सकते हैं, 6/11 से भरने स्टार्ट हो गए थे और 30/11 रात्रि के 12 बजे तक लास्ट टाइम है ये आवेदन को फिल करने का। चालान बना सकते हैं आप, ठीक है, तो चालान बैंक की शाखा में जाके, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 27/11/2017 अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट पर प्रश्न पत्र डाउनलोड, जो आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, वो आप डाउनलोड करोगे 1 फरवरी 2018 को, और जो परीक्षा की तिथि है वो है 11/2/2018। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि 11/2/2018 को ये एग्ज़ाम है, और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का कंप्लीट मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। आगे बात करते हैं परीक्षा समय की, 10 से 12:30 बजे तक जो है प्रातः, और 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, सायं के 5 बजे तक। उसके बाद है सामान्य सूचना, राज्य सरकार के आदेश अनुसार राजस्थान अध्यापक पत्रिका परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हैं, आपको वेबसाइट में पहले ही बता दी थी, फिर से रिपीट कर देती हूँ, RAJEDU board.rajasthan.gov.in पे आप आवेदन भरे जा रहे हैं। और जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनको क्या क्या चाहिए, क्या क्या फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म में, उनका प्रथम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का स्तर जो लेवल होता है, मोबाइल नंबर के अंकित कर संबंधित बैंक, ऑनलाइन भुगतान का चुनाव कर, चालान आदि डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करवाना होगा। आप चालान भी बनवा सकते हैं और आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर पैसे जमा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं फीस कितनी है, जो प्रथम स्तर है, ठीक है, उसकी फीस है 500, और जो द्वितीय स्तर है उसकी फीस है 750 रुपये। अब नोट, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, ठीक है, जो अभिव्यार्थी पूर्व में आयोजित रीट 2017, 2011, 2012, 2015 3 है, वे भी चाहें तो अपने परिणाम उन्नयन हेतु नियमानुसार रीट 2017 में आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने पहले भी रीट क्लियर किया हुआ वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो परीक्षा का स्तर है वो सामान्य है, परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी रीट या रीट दोनों परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसके द्वारा उत्तीर्ण सभी परीक्षाओं को सर्वोच्च परिणाम का लाभ प्राप्त कर सकेगा। जो आपके सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे वो वाला एग्जाम नंबर आपके जो काउंट। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, अगर आप फर्स्ट लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए 50% मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अलावा आप 45% मार्क्स भी ले सकते हैं आपके सीनियर सेकेंडरी में, साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी अकॉर्डिंग टू द रूल्स 2002। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और फाइनल, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपियरिंग इन द फाइनल ईयर, जो फाइनल ईयर में भी है 2 ईयर डिप्लोमा के एजुकेशन के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रेजुएशन पास है और फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 6 to 8 सेकेंड लेवल की, जो कि TGT लेवल होता है, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और 1 ईयर डिप्लोमा इन BEd, या फिर ग्रेजुएशन विद 45% मार्क्स एंड 1 ईयर BEd और अपियरिंग इन सेकेंड ईयर ऑफ द BEd, सेकेंड ईयर ऑफ BEd में आप अपियर कर रहे हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स, पास और अपियरिंग इन 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन, और सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स एंड अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर ऑफ BA, BSc Ed, MA, BA, BEd और BSc Ed। लास्ट क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स,
ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड पासिंग और अपियरिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बीएड। उसके बाद बात करते हैं, एक बार आपको एग्जाम का फॉर्मेट भी बता दूं, इसमें बाल विकास और शिक्षण विधि आएंगी 30 नंबर की, इसमें भाषा जो है हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत, ठीक है, जो भी मीडियम आपको आप चयन करेंगे वो भाषा आएगी 30 नंबर की। इसके अलावा भाषा दो जो आएगी, जैसे भाषा एक में आपने मीडियम किया तो हिंदी आएगी, भाषा दो में सेकंड भाषा आएगी जो आप चुनाव करेंगे, लाइक इंग्लिश आप चुनाव करेंगे तो इंग्लिश, तीसरे में गणित और चौथे में पर्यावरण अध्ययन। ये तो था लेवल वन का। अब लेवल टू में क्या आएगा, बाल विकास है, शिक्षण विधियाँ, भाषा एक भाषा दो, जो कि जो भी ये दोनों भाषाएं आपने अपने आप चूज करनी है। उसके अलावा गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु गणित एवं विज्ञान विषय, ठीक है, अगर किसी ने गणित विज्ञान उनका शिक्षण बनना है, शिक्षक बनना है तो उन्हें गणित और विज्ञान दोनों आएंगे। सामाजिक अध्ययन के हेतु उन्हें सामाजिक अध्ययन और अन्य विषय के हेतु जो भी उनका विषय है उस विषय का 8 नंबर का पेपर आएगा। नेक्स्ट, आपको एग्जाम को उत्तीर्ण करने के लिए, पास करने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स लेने होंगे। अब देखिए, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप www.readbsier.com पे जाइए, वहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, रजिस्टर जनरेट फी चलान, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, रीप्रिंट द एग्जामिनेशन फॉर्म 2018। तो आपने यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे चलान नंबर आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले आपको चलान बनाना होगा। आप देखिए, जब आप रजिस्टर जनरेट चलान पर जाएंगे तो पहले आपको अपना कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, किस लेवल का एग्जाम देना है, एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ मैं, यहाँ पे मैं फिल कर दी हूँ नाम अनुजना, फादर्स नेम कुछ भी, देखिए चेक कर लीजिएगा, जो भी 10th में आपके स्पेलिंग है वही आने चाहिए। नेक्स्ट, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए जो भी आपका फोन नंबर है, उसके बाद आपको लेवल सेलेक्ट करना है, लेवल वन और लेवल टू, जो भी आपका जिस लेवल के लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं। आपकी फीस आ जाएगी, जैसे देखिए लेवल वन मैंने सेलेक्ट किया तो फीस आ गई अपना। पेमेंट ऑप्शन, ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो ऑनलाइन, अगर चलान जनरेट करना है तो यहाँ पे कैश पेमेंट, ठीक है, और यहाँ पे बैंक, कौन से बैंक में आपने चलान जनरेट करना है। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, तो आपका ये चलान जनरेट हो गया। इसके बाद आपको सेकंड लेवल में अपना ये चलान नंबर है वो डालना है, और आप अपना बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोसेस कैसे आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। अब आपको जो भी एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा, आपको रिटेल ये कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर दीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और साथ के साथ आप अगर आपको तैयारी करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे राइट डाउन कीजिए, आपको जो टॉपिक में प्रॉब्लम है मैं आपको इस टॉपिक के लिए आपके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।